इतनी में केवल द्वार का दौड़ते जाना है और दौड़ करके सुदामा को देखा। हाँ, द्वार का नाम इतने दौड़े कि दौड़ते दौड़ते द्वार का नाम का पीता पर गिर गया। सारी द्वार का में हड़कंप मच गया। द्वार पर खड़े सुदामा को पकड़ करके द्वार का नाम ने अपने गले करके आज दोनों मित्र इतने रोल भगवान को भी जल्दी कसे कसे समझ रहे हो जगह से सुदामा गरीब है इसलिए सुदामा रो रहा है। आज सुदामा जी और द्वारिकानाथ दोनों बचपन के मित्र हैं और दोनों एक साथ जो है अपने महलों के अंदर आए और महलों में ला करके आज द्वारिकानाथ ने सुदामा जी आसन पर बैठे हैं और द्वारिकानाथ चरणों पर बैठे हैं। शांति से शांत चित्त से कथा भी सुनते जाए और झांकी का दर्शन भी करते जाए तो कुछ आनंद को हाथ छुआना ही नैनन के जल से पवित्र हो जाए। द्वारकानाथ ने सोने की परात में जो पानी था उस पानी से हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से नेत्रों के जल से द्वारकानाथ सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। पांव धोते धोते आज द्वारकानाथ ने देखा है कि सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं और द्वारकानाथ सुदामा जी के पैर अपने हाथ में लेकर के सुदामा जी के चरणों में लगे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। एक एक कांटा निकालते जा रहे हैं। कहते हैं कंटक जाल लगे फूट गए, कांटे लगे हैं। एक कांटा इतने गहरे में लगा था सुदामा जी की एड़ी में, सुदामा जी के चरण का कांटा नोच दिया। कहते हैं भगवान जब भक्त को निष्कर्ष करता है तो सारी मर्यादाओं को भूल जाता है। आज उन्होंने अपना दांत लगा करके मुंह लगा करके सुदामा जी की एड़ी का कांटा नोच दिया। बोल द्वारकानाथ भगवान की आशीर्वाद की वेला पूरी होने। सुदामा जी ने आज कन्हैया ने सुदामा जी से पूछा कि सुदामा तो कन्हैया बड़े अच्छे हैं, मैंने भाभी के बारे में क्यों पूछा कि घर में भाभी है तो भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा। यदि घर में भाभी ना होती तो मुझे कोई मतलब नहीं था। जी बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा ने